नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं दोपहर से, और टाइम लगभग पौने दो नहीं सवा दो होने वाला है, और खाना पीना बना लिए हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, कभी कभी बारिश आ रही है, कभी बारिश रुक जा रही है, ऐसा चल रहा है। सुबह से तो ऐसा नहीं था, 2-3 घंटे से ऐसा हुआ है। अभी बहुत बारिश आया था, फिर रुक गया है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है। ये तो मौसम काफी अच्छा हो गया है। और पतिदेव गए थे धनबाद कुछ काम से, तो आ गए हैं बारिश में भींग के। बारिश में भीग गए थे तो अभी नहाए हैं, और अभी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2:15 हो गया है। और खाना भी निकाल करके रखा हुआ है, गर्म खाना नहीं पसंद है, गुस्सा आता है गर्म खाना से, इसीलिए खाना निकाल के फ्रीज में रखना पड़ता है। हाँ कर रहे हैं। और खाना में आज बनाए थे हम क्या, मछली और चावल। पति भी चौंक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मछली चावल बोल रही है, तो भेज मछली बनाए थे, मतलब ये है ना मछली, और यहाँ है चावल। बेसन का सब्जी और चावल बनाए हैं, तो ये मछली टाइप से बनाए, क्योंकि मछली वाला ही मसाला पड़ता है इसमें, तो इसलिए बोले आप लोगों से मछली चावल। और यहाँ पे हस्बैंड का खाना निकाल, अभी खाएंगे। और आप लोग देखिए इतना सारा कपड़ा बिखेर करके रखे हैं हम, ये देखिए। सारा ब्लाउज ये मेरा कॉटन का है, और कोई कोई तो इसमें सही है, बस साथ में आ गया है, और कोई कोई काफ़ी टाइट होता है, यहाँ तक आता है। ये देखिए मुड़ना, जहाँ मुड़ रहा है ना हाथ, यहाँ तक आता है, तो काफ़ी जगह था, क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो जगह काफ़ी रहता है। तो सारा खोले हैं, जो खोले हैं उसको नीचे रख दिए हैं, कि अभी थोड़ा देर में मशीन पर बैठेंगे, क्योंकि मौसम अच्छा है, तो कल से मशीन चला रहे हैं। कल एक न्यू पेटीकोट बनाए थे, क्या हुआ, कल एक न्यू पेटीकोट बनाए थे, और बहुत सारा का सिलाई ख़राब हो गया था, मतलब खुल गया था, वो ठीक किए थे। फिर 2 कुशन कवर रेडी किए थे, उसका कुशन कवर हर्षित जला दिया था आयरन से, तो वो ठीक किए थे। बहुत सारा कल सिलाई का काम किए थे, और आज न्यू काम करना था, पर सोचे ये सारा अल्टर काम कर देते हैं जो बहुत दिनों से रखा हुआ है। ब्लाउज बहुत सारा है, पर 2-3 पहनते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा था, बहुत मोटे हो गए हैं, दिन प्रतिदिन वेट बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मेरा वेट बढ़ता है हाथ में, हाथ मोटा होता है, तो जिसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जो काम है आज सारा को ख़त्म करेंगे, और अभी खाना नहीं खाएंगे, ऐसे सोया हुआ है स्कूल से आकर के, जब वो उठता है तो खाना खा लेते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे महाशय खाना खा रहे हैं, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है। और यहाँ पे हम सारा ब्लाउज को मोड़ रहे थे, जो हाथ का काम था वो कर लिए हैं, और जो मशीन का काम करना है वो अभी खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा देर में करेंगे, तो वही यहाँ पे सारा हटा रहे थे, और बस यहाँ पे खाना वगैरह खा करके थोड़ा सा रेस्ट किए थे, और बस मशीन पे बैठ गए थे। और तब तक के हम मशीन का काम करते हैं, और आप आज जो हम बेसन की सब्जी बनाया है उसकी आप रेसिपी देख लीजिए।
तो यहाँ पे हम बेसन की सब्जी बना रहे हैं, तो एक कटोरी बेसन ले लिया, वैसे नाप करके नहीं लिए हैं, अंदाज से एक कटोरी बेसन ले लिया। और फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और फिर इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जैसे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और गोलकी जीरा का पाउडर, और आप चाहे तो धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा सा धनिया पाउडर कम खाते हैं। और बस इसमें हम फिर से डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये अभी जस्ट ही तैयार किए थे, और इस पेस्ट को हम फिर ग्रेवी में भी रेडी करें, मतलब ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। और बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और घोल तैयार कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि एक बार पानी नहीं डालेंगे वरना लम्स पड़ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही और बस एक घोल रेडी कर लेंगे। और घोल बिल्कुल पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कढ़ी नहीं बनाना है, इस तरीके का हमें घोल होना चाहिए। और बस ये हमारा घोल रेडी हो गया है, तो यहाँ पे हम गैस पे तवा चढ़ा दिए हैं और तवा हमारा गर्म हो गया है, तो एक चम्मच लगभग डाल दिए हैं सरसों का तेल, और इसके बाद हम इस बेसन का चीला बना लेंगे इस तरीके से। और ये चीला देखिए एक तरफ से सीख गया है, तो बस इसे हम जैसे डोसे का फोल्ड करते हैं उसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, और ये बहुत जल्दी पक जाता है, तो ध्यान रखें और गैस का फ्लेम लो करें। और मेरा जो फर्स्ट वाला था वो थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वैसे टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, पर थोड़ा सा वो ज़्यादा खर हो गया था। तो बस उसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे चीला भी बना लेंगे, और इस तरीके से हम सारे चीला को रेडी कर लेंगे। और ध्यान रखें हमें पतला पतला ही बनाना है, तभी हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए ये भी चीला हमारा सीख गया है, तो हम इसको भी फोल्ड करके और रख लेते हैं। और यहाँ पे सारा चीला हमारा रेडी हो गया था, तो बस ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और डाल दिए सरसों का तेल, और उसमें हम डाल देंगे जीरा और तेजपत्ता, आप चाहे तो सरसों भी डाल सकते हैं, और बस इन सभी को चटकने देंगे। और इसके बाद इसमें यहाँ पे डाल देंगे हम प्याज, और आप लोगों को दिख रहा होगा प्याज को बहुत महीन महीन कट किए हैं ताकि हमारा प्याज बहुत अच्छे से गल जाए। और बस जब तक हमारा प्याज भून रहा है तो मसाला रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पे मसाले में हम लिए हैं सरसों, गोलकी और जीरा, और बस इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। और आप लोगों को मिक्सी दिख रहा होगा थोड़ा सा गंदा, तो अभी हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाए थे, और यहाँ पे प्याज हमारा थोड़ा भून गया था, तो यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं ताकि प्याज हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। और ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, और आप लोगों को भी ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, तो बस यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे जो हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाले थे वो बहुत अच्छे से भून गया था, तो जो हम मसाले पीस के रखे थे सरसों वाले उनको भी हम डाल देंगे, और साथ ही सूखे मसाले भी डाल देंगे जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और इसके बाद मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, और मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनना है, वरना मसाले जो सरसों वाले होते हैं थोड़े से कच्चे कच्चे लगते हैं और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इसे लो फ्लेम पे हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा मसाला हमारा भून गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से गल जाए। और अभी भी मसालों को हमें भूनना है जब तक हमारा टमाटर गल ना जाए और मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक नहीं जाए और भून नहीं जाए। और यहाँ पे हम ढक दिए हैं ताकि हमारा टमाटर बहुत जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं और टमाटर भी अच्छे से गल गया है, तो बस मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने ग्रेवी के अनुसार पानी, और जितना हमें ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल देंगे, और थोड़ा ग्रेवी को पतला ही रखेंगे क्योंकि ये बेसन की सब्जी है तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है इस कारण से। और जब तक हमारा ग्रेवी खौल रहा है तब तक हम जो चीला का रोल बना करके रखे थे उसको कट कर लेते हैं। बस यहाँ पे सारा चीला को कट कर लिए हैं, और इधर हमारा ग्रेवी भी बहुत अच्छे से खौलने लगा है ये देखिए,
बहुत अच्छे से खोलने लग गया और पक भी गया है, तो एक एक चीला जो कट करके रखे थे उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे जितना भी चीला कट करके रखे हुए थे सारा इसमें हम डाल दिए हैं और इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक करके और पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है, तो एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है और लग रही है ना आपको बिल्कुल मछली की तरह, ये देखिए। और बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। बेटा पूजा रूम में है इसीलिए आप लोगों से बातें नहीं कर पाया और अलमीरा खुला है, बंद कर लें। और सारा सिलाई हो गया है और लगभग 7 बज गया है, आप लोग देखे ही, पर आज दिन भर लग के काम किए हैं और ऐसा लग रहा था कि 1 साल के बाद मशीन पे बैठे थे। और 2 दिन से सिलाई चल रहा है, अभी भी बहुत सारा कपड़ा सिलना है। देखिए ये सारा ब्लाउज आज ठीक किए हैं, ये देखिए ये कॉटन का ब्लाउज है और ये भी कॉटन का ब्लाउज है, और दोनों ब्लाउज लगभग भाई की शादी से पहले बनाए थे, और भी बनाए थे तो वो सारा पहन चुके थे। पर इस ब्लाउज में और एक है रेड कलर का, और एक है ये जो तीनों ब्लाउज था ये, मतलब हमको पता ही नहीं था कि इसमें अभी हम हुक वगैरह नहीं लगाए हैं। तो जब हम कल देखने लगे तो इसमें देखे, इसमें तो हुक है ही नहीं। ये भी ब्लाउज नया है, इसको होली में जब पहन रहे थे तो ये थोड़ा सा फिटिंग हो रहा था। और ये भी ब्लाउज 1 साल हो गया बनाए हुए, तो फिर इसको भी ठीक किए, जगह था तो इसमें फिर बड़ा कर दिए इसको। और ये ब्लाउज है लगभग 4 साल पुराना ब्लाउज है, और ये 4 साल से हम इसको पहने नहीं है, न्यू ब्लाउज है कॉटन का। और जब हम लगभग 1 महीना पहले इसको पहन रहे थे किसी साड़ी में, ये मैच कर रहा था तो सोचे इसको पहनते हैं, तो इसको देख रहे हैं कि यहाँ तक आ रहा है, तो फिर बड़ा हुआ था। और ये दोनों ब्लाउज 5-6 साल से ऊपर का है, और ये उतना दिन से टाइट हो रहा था, नहीं हो रहा था, और ये रखा हुआ था। और आप लोगों को पता ही है कि आजकल कॉटन का ब्लाउज का कितना रेट है, तो किसी को देने में भी ये लग रहा था कि कैसे किसी को दे दें, और कुछ दिन का पहना हुआ भी ब्लाउज था इसके कारण भी, तो इसको भी ठीक किए। और वैसे जो मेरा पहले का टाइट ब्लाउज होता था तो थोड़ा सा उसको फिटिंग वगैरह करके माँ को दे देते थे, तो अब माँ के लिए बहुत ज़्यादा फिटिंग करना पड़ता है। इसमें हुक ख़राब हो गया था तो इसको भी ठीक किए, इसमें भी हुक खराब हो गया था। वैसे इसका साड़ी खराब हो गया है, अब साड़ी इसका आप नहीं पहनते हैं, पर ब्लाउज अभी ठीक है तो किसी पे चल जाएगा, तो इसलिए इसको पहनते हैं, तो ये ठीक है। और ये भी थोड़ा सा फिटिंग हो रहा था, ये भी 5-6 साल पुराना ब्लाउज है, तो इसको ठीक किए। ये भी टाइट हो रहा था, जबकि ये भिलौर में हम इसको पहने थे, इस ब्लाउज को भिलौर में पहने थे, पर फिर भी थोड़ा सा टाइट हो रहा था, और हमें टाइट कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत अजीब सा होता है, ऐसा लगता है कि पूरा मतलब अजीब सा ही महसूस होता है। तो फिर इसको भी थोड़ा सा एक सिलाई खोल दिए हैं, इसको ठीक किए हैं था, तो इसका भी एक सिलाई खोले हैं, और इसका भी बाकी है। देखिए ये इसका तो कुछ काम किए ही नहीं है, पर इसको भी करेंगे, वैसे सारा कर लिए हैं, यही एक बाकी रह गया है। इसका भी कुछ काम नहीं किए थे, और इसका भी नहीं, और इसमें भी थोड़ा एक सिलाई, इसको भी खोले हैं। ये भी न्यू ब्लाउज है, 2-3 बार पहने हैं, और ये तो बिल्कुल न्यू है, ये भी बिल्कुल न्यू है, ये भी देखिए कॉटन का ही ब्लाउज है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि इसका सिलाई अभी तक ये है, पहने नहीं है, तो ये ठीक होता है। और इसको भी एक सिलाई खोलना पड़ा, इसमें जगह था, इसका कुछ किए नहीं है, बस सिलाई खोल दिए हैं, तो इसको भी ठीक किए। तो आप लोगों ने देखा ही कि इतना सारा आज ब्लाउज को ठीक किए हैं, और ये काम काफी दिनों से पड़ा हुआ था, 1 साल से मशीन पे नहीं बैठे थे, तबीयत खराब, कभी कुछ ऐसा ही लगा रह रहा था, और बस जो मेरे पास जो ब्लाउज रहता था आगे उसी को पहन करके, और ये सारा काम छोड़े हुए थे। पर ऐसा होता है ना कि जब न्यू ब्लाउज बनाते हैं तो उसी को पहनते रहते, ये रखा ही रह जाता था, और जो बहुत दिन का है, जैसे और भी बहुत पुराना ब्लाउज है, तो यदि मतलब होता है ना कि अभी
इस पे मैच नहीं करेगा, उसको अगले बार पहनेंगे, ऐसे कर करके। कुछ कुछ न्यू ब्लाउज भी था जो मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, जब जब पहनने लगे या अच्छा इसको पहनते ये मैच कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा, ऐसे ऐसे करके। माँ को कितना सारा ब्लाउज फिटिंग करके दिए, तो अब माँ को भी ब्लाउज जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा फिटिंग करना पड़ता है, तो बस माँ को नया ही दे देते हैं। और ये सारा ब्लाउज रखा, अब जा करके इसका काम खत्म हुआ, सारा ब्लाउज आज ठीक कर दिए हैं, सारा ब्लाउज को पहनने लायक बना दिए हैं। तो बस लगभग कितना लग रहा है कि 18-20 ब्लाउज आज ठीक किए हैं, सब में कुछ ना कुछ था तो सारा को आज ठीक कर दिए हैं। और अभी भी 10 ब्लाउज हमको सिलना है, तो उसको कल से काम लगाएंगे, क्योंकि अभी सारा फेस्टिवल स्टार्ट होगा तो कॉटन का रहता है तो आराम लगता है, क्योंकि हम ज़्यादातर कॉटन ही पहनते हैं। वैसे साड़ी वाला मैचिंग भी ब्लाउज बना लेते हैं, पर पहनते हैं कॉटन वाला ही, तो इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। और होता क्या है ना कि जो भी हम लोगों का फेस्टिवल होता है, जैसे तीज, दुर्गा पूजा, छठ, तो इसमें हम लोग को कपड़ा लगाना पड़ता है, न्यू मतलब चढ़ाना पड़ता है, तो इसके लिए हम कॉटन का ही ब्लाउज लेते हैं। तो वो सारा ये सारा ब्लाउज मतलब चढ़ाया हुआ कपड़ा है, तो इस सबको हमको ब्लाउज बनाना है, और इसका काम कल से इस काम में भी लगेंगे। इसके बाद कुछ कुछ रेडीमेड जो होता है साड़ी में, रेडीमेड ब्लाउज जो साड़ी में रेडीमेड ब्लाउज मिल जाता है वो मेरे बॉडी में फिट नहीं आता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कांड करना पड़ता है, तो उसको फिर उस ये सिलने के बाद फिर उसमें लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये 2 बजे वीडियो आज स्टार्ट किए थे, और इस वीडियो के 2 बजे ही वीडियो स्टार्ट किए थे, और ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, लॉन्ग होते जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जो बेसन की सब्जी बनाए थे वो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे ये जो सब्जी है ये मेरी मंजली वाली जेठानी वाली मंजली थी, हमको जब हम लोग फैमिली में रहते थे तो वो बनाती थी, तब से हम इसको बना रहे हैं। वैसे अपने घर में बहुत कम बनाए हैं, बहुत लग रहा एक दो बार ही ये सब्जी बनाया, तो आज हमको ये सब्जी बनाने का मन किया था, तो अच्छा भी लगा बना भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।